कुंडली के माध्यम से ग्रहों की चाल और राजयोग के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। हालांकि बहुत कम लोगों को पता है कि शरीर की बनावट के आधार पर भी राजयोग के बारे में पता लगाया जा सकता है। शारीरिक बनावट के आधार पर भविष्य जानने की इस विधा को सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र का भरण ग्रंथ शरीर की बनावट के आधार पर बताता है कि किस व्यक्ति के धनवान बनने के योग्य है और किसके नहीं। आइए जानते हैं इसके बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों की छाती चौड़ी, नाक लंबी और नाभि गहरी होती है, उन्हें कम उम्र में ही बहुत सफलता मिल जाती है। ऐसे लोग अपने सारे सपने आसानी से पूरे कर लेते हैं। इन लोगों के पास धन की कमी नहीं होती है और ये लोग ज्यादातर प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। जिन लोगों के पैर के तलवे में अंकुश, कुंडल या चक्र के निशान होते हैं, वो लोग एक अच्छे शासक, बड़े व्यापारी, अधिकारी या राजनेता बनते हैं। जिन महिलाओं की बाई हथेली के बीच में तिल, ध्वजा, मछली, वीणा, चक्र या कमल जैसी आकृतियां बनती हैं, वो लक्ष्मी समान मानी जाती हैं। भरण ग्रंथ के अनुसार ऐसी महिलाएं जहां भी जाती हैं वहां धन और खुशियों का ढेर लगा देती हैं। वहीं जिन पुरुषों के हाथों या पैरों में मछली, अंकुश या वीणा के समान निशान हों, वह कम समय में पैसा और प्रतिष्ठा कमा लेते हैं। जिनके हथेली के बीचों बीच तिल होता है, वो लोग बहुत धनवान और समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। वहीं जिन लोगों के तलवों पर तिल, चंद्रमा या वाहन जैसा निशान दिखाई देता है, उन्हें कई तरह के वाहनों का सुख मिलता है। ऐसे लोग कई देशों की यात्रा करते हैं। जिन पुरुषों की छाती पर अधिक बाल होते हैं, उन्हें संतोषी प्रवृत्ति का माना जाता है। इन लोगों के पास बहुत धन तो नहीं होता है, लेकिन धन के अभाव में उनका कोई काम भी नहीं रुकता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।